गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर हिंदी ग्रामर ऑनलाइन क्लास। शो बी रेडी फॉर दिस। टुडे वी विल रीड चैप्टर 29। ये देखिए चैप्टर आपका 29 हिंदी व्याकरण का है। इसका नाम क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आप लोग जानते होंगे पहले से ही, घरों में भी लोग कहावतें कहते थे और शॉर्ट में कुछ बात को जो लोग बहुत लोग सीधा सीधा बोल देते हैं, लेकिन बहुत लोग घुमा के बोलते हैं। तो घुमा के बोलने का मतलब लोकोक्तियाँ कहावतें जो होती है वो सीधा सीधा ना बोल के उसको दूसरे व्यंग के आधार पर या दूसरे शब्दों में बोला जाता है, वहीं क्या बोलते हैं उसको? मुहावरे। मुहावरे देखिए होता क्या है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा के मुहावर शब्द का परिवर्तित रूप है। यानी यह किस भाषा का? अरबी भाषा का मुहावर है, उसी से मुहावरे बना है, जिसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। मुहावरा एक रूढ़ वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराके किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराता है। विलक्षण अर्थ का मतलब अद्भुत, अलग अर्थ हो जाता है उसका, बदल जाता है अर्थ। तो जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। यह अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके दूसरा अर्थ ले ले उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। जैसे देखिए, देखिए मुहावरा समझना है। सीधा अर्थ, ईंट से ईंट बजाना। देखिए ये ईंट से ईंट एक दूसरे को बजा रहे हैं ना, तो इसका सीधा अर्थ हुआ ईंट से ईंट बजाना, यानी एक ईंट को दूसरे ईंट से चोट बजाना। और विलक्षण क्या है? ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश करना, यानी ये शत्रु लोग जो है क्या कर रहे हैं? दुश्मनों का, शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं सिपाही लोग। देखिए अगला है, सीधा अर्थ क्या है? अंधे को दीपक दिखाना। कोई अंधा है उसको दीपक दिखा रहे हैं। अगर हम अंधे को दीपक दिखाएं उसको क्या समझ में आएगा? यानी अंधे को हम उजाले में चलवा रहे हैं दिखा के। विलक्षण अर्थ क्या है? अंधे को दीपक दिखाना मतलब मूर्ख को उपदेश देना। यानी जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति है उसको हम समझा करके क्या करेंगे? वो अपने मन का ही करेगा, उसको हमको समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो यही है, इसी तरह इसको क्या, ये क्या है? मुहावरे हैं। इस मुहावरे का एक अर्थ होगा और उस अर्थ में फिर क्या होगा? अर्थ एक ही होता है। मुहावरे का अर्थ जो है वो कभी बदलता नहीं है, परिवर्तित रहता है, लेकिन उसका जो वाक्य प्रयोग है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको अगर ये, जैसे कि देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। लोग कहते हैं ना, तुम्हारे अक्ल में पत्थर पड़ गया है। तो जिन विद्यार्थियों के अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं उनका भला पढ़ने में मन कैसे लगेगा? यानी जिन विद्यार्थियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो कैसे पढ़ेंगे? उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो वही बता रहा है, ये वाक्य प्रयोग आप अपने मन से अपना बना सकते हो, लेकिन ये जो है और ये नहीं बदलता है, ठीक है? जैसे देखिए, अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना, गरीबों की सहायता करने में अगर मगर नहीं करना चाहिए। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, यानी अपना जो स्वार्थ है, अपना मतलब है, उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या बता रहे हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। मुहावरे का ही वाक्य प्रयोग होता है, अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं होता है। और आप वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से, यानी जैसा आपको अच्छा लग रहा है, जो वाक्य आप प्रयोग करना चाहते हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने मुँह मियाँ मिठू बना, यानी अपनी प्रशंसा खुद से करना, दूसरे का वेट नहीं करना कि वो आएगा तो मेरी तारीफ करेगा। अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों किए जा रहे हो? मुँह मियाँ, अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए। उंगली उठाना, निंदा करना, मेरे रहते हुए तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसी तरह है, देखिए ये मुहावरे हैं, ठीक है? इनको आप अर्थ याद कर लेना है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसका वाक्य प्रयोग जो है वो आप अपने से कर सकते हैं। कोई भी वाक्य प्रयोग हो सकता है। जैसे देखिए, उंगली पर नचाना, वश में करना। कुछ स्त्रियाँ अपने मर्दों को उंगली पर नचाने का पूरा प्रयास करती हैं। आँख बगुला हो जाना, आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा, यानी जैसे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की आँखों का तारा था। आग बगुला क्रोधित होना, गुस्सा होना तुरंत, छोटी छोटी बातों पर आग बगुला नहीं होना चाहिए। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, इस संसार में आस्तीन के सांपों से बचो। आटे में नमक होना यानी बहुत कम संख्या में होना। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या आटे में नमक के समान है, यानी पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर क्या हैं, वहाँ पर मुस्लिम लोग ही हैं। कुआं खोदना यानी हानि पहुंचाना, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं ही डूब जाता है। गुदड़ी का लाल यानी छिपा हुआ गुड़ी व्यक्ति, श्री लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। चकमा देना यानी धोखा देना, राम तुमको चकमा देकर भाग गया। चींटी के पर निकलना, कमजोर का अधिक अकड़ना। जब से विकास की लाटरी लगी है तब से उस चीटी के भी पर निकल आए हैं। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। ये इस तरह से आपको मुहावरे हैं और इनका वाक्य प्रयोग आपको करना है, ठीक है?
और सारा आपको याद कर लेना है, अर्थ को पढ़ना है अच्छे से। मैं कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ ले रही हूँ, लेकिन आपको पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक। छठी का दूध याद आना, घबरा जाना, इस महंगाई ने लोगों को छठी का दूध याद दिला दिया। जान हथेली पर रखना, खतरा मोल लेना, राजपूत देश की आन के लिए जान हथेली पर रखे रहते हैं। तलवे चाटना यानी खुशामद करना, तलवे चाटने से योग्यता नहीं आती, वह तो परिश्रम से आती है। यानी आप हमें नॉलेज चाहिए तो हम तलवा चाट के नहीं ला सकते, हमको उसके लिए क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। नमक मिर्च लगाना यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना, रमा ने भाई के खिलाफ सारी बातें पिता को नमक मिर्च लगाकर कही। अब देखिए, लोग कहते हैं ना इसका श्री गणेश करना, आरंभ करना, आज से मैं अपने व्यापार का श्री गणेश करूँगा। हाथ पाँव मारना यानी प्रयत्न करना, हाथ पाँव मारने पर ही नौकरी मिलनी संभव है। अगला है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ का मतलब जो लोगों के द्वारा कही गई उक्तियाँ हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जनता में प्रचलित उक्ति। वास्तव में लोकोक्तियों के मूल में कोई कहानी अथवा घटना ही होती है जो लोगों की जबान पर चढ़कर लोकोक्ति या कहावत के रूप में प्रचलित होती है। इस तरह एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि कहावतों के मूल में नीतिमूलक सूत्र रहते हैं जिसका प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में होता है। लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है और अपने आप में पूर्ण होती है। उदाहरण के रूप में कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ या कहावतें सहित दिए जा रहे हैं। कहावतें जैसे जो पहले के लोग कहते थे वही कहावतें हैं, उसी को देखिए दिखा रहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी कह रहा है कि जब मेरा समय बीत गया है तो हमको अफसोस करने से भी कोई फायदा नहीं है। रमेश फेल होने पर बहुत रोया, यही कहता रहा कि यदि जरा सी भी मेहनत कर लेता तो अवश्य पास हो जाता, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अधजल गगरी छलकत, यानी छोटा आदमी जो है वो अधिक दिखावा करता है ना, जो जिसको कम नॉलेज होता है वो खूब उछल कूद मचाता है, वो दिखाता है खूब। रामलाल ने 300 गज का प्लाट क्या खरीद लिया, अपने को भूपति समझने लगा। सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है, देखिए अगले पेज पे, आम की आम गुठलियों के दाम दुगना लाभ। वह अपने भतीजे के विवाह में मुंबई गया था और वहाँ से दुकान के लिए माल भी खरीद लाया। इसे कहते हैं आम की आम गुठलियों के दाम, यानी एक साथ दो दो लाभ हो जाए, दोहरे लाभ हो जाए। आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों ओर क्या है, मुसीबत है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आते हैं तो नौकरी नहीं मिलती, वहाँ रहते हैं तो जीवन सुरक्षित नहीं, उनके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। यानी अपना देश छोड़ के आए दूसरे देश में, वहाँ पे भी कुछ नहीं, और जहाँ अपना देश छोड़ दिया तो वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला उनको। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देखिए स्वयं अपराध करके दूसरों पर दोष मरना। मेरी किताब गंदी करने पर राम मुझे ही डांटने लगा, या तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी लोकोक्ति और मुहावरे दोनों का अर्थ एक जैसा ही होगा, अर्थ नहीं बदलता, लेकिन आपको वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप जो वाक्य प्रयोग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दोहरा लाभ। मुझे दफ्तर से के काम से लखनऊ जाना है, वैसे भाई साहब से भी मिलता आ जाऊंगा, एक पंथ दो काज हो जाएगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का प्रभाव। राम को देखकर अब अधिक पढ़ने लगा हूँ, ठीक ही कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी तरह है ये सारे लोकोक्तियाँ और मुहावरे, ये आपको सारा का सारा पढ़ लेना है, ठीक है, सारा इम्पोर्टेंट है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी बहुत मेहनत कर ली और हमें सफलता क्या मिल रही है, एकदम छोटी सी। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आप क्या कह रहे हैं, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको भरना ही पड़ेगा। न मौत मन ले तेल, न नव मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, यानी ऐसा शर्त रखना जो पूरी न हो सके और दिया गया काम न करना पड़े, यानी ये बहुत कठिन कर लेना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, यानी मांगने पर कुछ नहीं मिलता है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपटी व्यक्ति मुंह से बहुत मीठा मीठा बोलेंगे लेकिन पीछे से क्या होगा, उनके विष निकलता रहेगा, वो पीछे वार करते रहेंगे। अगला है, देखिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी धूर्त आदमी मार खा कर ही सुधरते हैं। यानी जो कुछ लोग होते हैं ना जिनको आसानी से समझाओ, अच्छे से समझाओ तो उनको समझ में ही नहीं आता है। सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे किया हुआ काम क्या होता है, अच्छा होता है, हड़बड़ी में किया हुआ काम अच्छा नहीं होता है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सहायता के लिए अपने साथियों के पास पहुँचना। कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान आजकल चीन और अमेरिका के चक्कर लगाता है, सच है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हाथ कंगन को अरसी के, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है,
यानी जब तुम्हारे सामने कोई चीज़ है तो उसको हम प्रमाण क्या देंगे, यह पैंट तुम्हारे सामने है, खुद ही देख लो कितनी बढ़िया है, हाथ कंगन को अरसी की, होनहार विमान के हो चिकने पात, महान पुरुषों के लक्षण जन्म से ही दिखाई देते हैं, यानी जो पुरुष महापुरुष होते हैं उनके जन्म से ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हैं। ठीक है, ये आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ था। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और चैप्टर पूरे को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना, और इस चैप्टर का PDF एक्सरसाइज का मैं सेंड करूँगी, उसको आप कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।